हेलो एवरीवन यह ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो नंबर टेन जिसमें हम चैप्टर नंबर सिक्स कॉस्ट पढ़ने वाले हैं ये कॉस्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है तो शुरू करते हैं चैप्टर सबसे पहले कॉस्ट का मतलब क्या होता है वो समझो इट मींस द सम टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर और इनपुट्स इनपुट का मतलब है जो भी चीज़ें हम बिजनेस में लगा रहे हैं जैसे कि रॉ मेटीरियल लेबर फ्यूल पावर ये सारी चीज़ें आपकी इनपुट होती है ठीक है तो इन सारी चीज़ों को प्लस कर दो जो भी आपने खर्चा किया है इनपुट के ऊपर रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के ऊपर और इम्पुटेड वैल्यू ऑफ दी इनपुट्स सप्लाइड बाय दी ओनर इसको समझना है थोड़ा सा इम्प्यूटेड वैल्यू मतलब एक तरह से कैलकुलेटेड वैल्यू किस चीज़ की इम्प्यूटेड सॉरी इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर ओनर जो है जो भी कंपनी का बिजनेस का ओनर है वो काफ़ी सारे चीज़ें सप्लाई करता है अपनी तरफ से जैसे कि अपनी ज़मीन पे अगर काम कर रहा है तो उसकी ज़मीन या अपना एफर्ट जो भी वो मेहनत कर रहा है अपना हार्डवर्क देता है तो इनकी एक इम्प्यूट वैल्यू होती है एक कैलकुलेटेड वैल्यू कि कितनी मेहनत कर रहा है और कितना इसका जो ज़मीन एक बिजनेस ने अपने बिजनेस में यूज़ कर रहा है वो ज़मीन की वैल्यू कितनी है तो इम्प्यूट वैल्यू ऑफ़ द इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर ओनर जितना भी इनपुट सप्लाई uh, कर रहा है उसकी कैलकुलेटिव वैल्यू इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की ठीक है तो जो इनपुट uh, के ऊपर हम खर्चा करते हैं जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है इनपुट के ऊपर जैसे कि रॉ मटेरियल फ्यूल पावर इन सब के ऊपर तो उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और जो इम्प्यूटेड वैल्यू है जो ओनर सप्लाई कर रहा है उस वैल्यू को हम कहते हैं इम्प्लेट कॉस्ट ध्यान से देखना एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है इट इज़ द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स और पेमेंट मेड टू आउटसाइडर फॉर हायरिंग देयर फैक्टर सर्विसेज आप कोई और इंसान से काम कराते हो और उसको उस काम को करने के पैसे देते हो किसी बाहरी आदमी से यानी आउटसाइडर से आप काम करा रहे हो हायर कर रहे हो उसकी सर्विसेज और उसको पैसा दे रहे हो तो वो आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ठीक है एक्सप्लिसिट खर्चा है जैसे कि पेमेंट ऑफ़ रॉ मटेरियल आपने रॉ मटेरियल मंगाया और उसकी पेमेंट की तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुई इम्प्लिसड कॉस्ट क्या होगी इट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ द ओन लैंड एक्सेट्रा ये एस्टिमेटेड वैल्यू है किसकी जो भी हम इनपुट सप्लाई कर रहा है ओनर ओनर जो भी चीजें सप्लाई कर रहा है ओनर क्या करेगा अपना खुद का जमीन दे देगा बिल्डिंग दे देगा तो उसकी एक इम्प्यूटेड वैल्यू रेंट की ये आपकी इम्प्लीसिड कॉस्ट हुई ठीक है मेहनत तो वो भी कर रहा है ना बंदा उसका दिखता नहीं है बट मेहनत तो कर रहा है तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट बोली जाती है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट फंक्शन क्या होता है इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इससे पहले हमने बहुत सारे और फंक्शंस पढ़े हैं फंक्शन का मतलब है कि कॉस्ट जो है वो किस तरह से रिलेटेड है क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी ऑफ आउटपुट यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज़ का उसके साथ कैसे रिलेशन में है उसको हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं कैसे लिखते हैं सी यहाँ पे इट स्टैंड फॉर कॉस्ट इक्वल्स टू एफ यानी कि फंक्शन यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप विद विध किसके साथ ब्रैकेट लगाओगे एंड क्यू मतलब क्वांटिटी यानी कि आउटपुट जो कॉस्ट है वो हमारी आउटपुट पे डिपेंड करेगी आउटपुट के साथ उसका रिलेशन है कैसे अगर आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगी अगर आउटपुट कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगी तो दे आर रिलेटेड और उस रिलेशन को कैसे दिखाओगे इस इक्वेशन के थ्रू दिखा सकते हो इसी को कॉस्ट फंक्शन कहते हैं अब आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम पहले भी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं पीपीएफ वाले चैप्टर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जब हमने पढ़ा था तो एक बार फिर से मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ आपको ये सबसे इजी है और आ, आ, सबसे छोटी भी है इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन ये वो कॉस्ट है जिसमें हम अगले बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ऑप्शन को जाने देते हैं फॉर गॉन जाने देते हैं जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था यू आर अर्निंग यू हैव अ जॉब ऑफ फोर्टी थाउजेंड यू आर अर्निंग फोर्टी थाउजेंड राइट नाउ एंड यू गेट एन ऑफर ऑफ फिफ्टी थाउजेंड फ्रॉम सम अदर कंपनी बट यू डोंट वॉन्ट टू गो हियर आप इसको नकार देते हो मना कर देते हो आपके पास चालीस हजार की जॉब ऑलरेडी है आप सेटिस्फाइड हो यहाँ पे आता है आपके पास एक ऑफ़र पचास हजार की नौकरी का लेकिन आप इसको छोड़ देते हो जाने देते हो तो ये जो कॉस्ट है जो आपने जाने दी जो फॉर वन मीन्स जाने दिया और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आया था मतलब कि आपके पास एक और ऑप्शन आया था एक और ऑल्टरनेटिव था कि फोर्टी थाउजेंड या फिफ्टी थाउजेंड आप चूज़ कर सकते हो तो ऑल्टरनेटिव था ठीक है बट आपने जाने दिया तो ये जो खर्चा है दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसा समझ लो कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आई थी बट यू हैव लेट इट गो ठीक है आगे बढ़ते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट ये क्या होती हैं अब पिछले चैप्टर में मैं शॉर्ट रन और लॉन्ग uh, रन को भी डिस्कस कर चुकी हूँ उसको एक बार देख लेना जिससे कि आपको पहले समझ में आ जाए शॉर्ट रन होता क्या है ठीक है शॉर्ट रन बेसिकली एक साल से कम का टाइम को कहते हैं uh, बाकी डिटेल आप वीडियो में देखना शॉर्ट रन कॉस्ट कितनी तरह की होती है दो तरह की होती है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट नाम से ही आपको पता चल जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है ये जो खर्चा है वो फिक्स्ड रहता है सेम रहता है शॉर्ट रन में ऐसे नहीं कि हमेशा ही सेम रहेगा लॉन्ग रन में सेम नहीं रहता है शॉर्ट रन में ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये सेम रहती है वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है वेरी एबल यानी कि चेंजेबल चेंज करेगी वेरी करेगी यानी हर दिन कुछ अलग होगी हर महीने अलग हो सकती है तो फिक्स्ड कॉस्ट में आपके आ जाते हैं ऐसे खर्चे जो आपने एक बार कर दिए और फिर बस वो रहेंगे एक साल दो साल चार साल वॉट एवर मोर देन अ ईयर वो रहेंगे आपके पास तो फिक्सड है जैसे कि मशीनरी खरीद ली लैंड जमीन खरीद लिया बिल्डिंग खरीद ली बिल्डिंग बनवा ली तो ये आपका फिक्स्ड खर्चा है एक बार हुआ उसके बाद योर डन ठीक है वेरिएबल कॉस्ट क्या है वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो चेंज होगी जैसे कि लेबर लेबर के ऊपर खर्चा कर रहे हो अब लेबर आज कम है कल ज़्यादा है डिपेंड्स uh, कि आपका uh, आपको प्रोडक्शन कितनी करानी है उस हिसाब से आप लेबर को कम ज़्यादा करोगे तो ये कॉस्ट भी कम ज़्यादा होगी पावर अगर uh, मान लो फैक्ट्री है वो अगर आज वर्किंग है कर काम कर रही है वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं तो आ, पावर भी ज़्यादा चाहिए होगी उस दिन किसी दिन संडे है तो पावर नहीं चाहिए होगी तो वेरिएबल है ना कभी कभी कोई आ, मतलब कभी कुछ आ, कभी ज़्यादा है तो कभी कम है ऐसे ही फ्यूल के साथ है ऐसे ही रॉ मटेरियल ऑर्डर्स ज़्यादा हैं रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए ऑर्डर्स कम है रॉ मटेरियल कम चाहिए ठीक है तो है, दे विल वेरी वेरिएबल कॉस्ट इसीलिए बोलते हैं दे विल चेंज फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड इन शॉर्ट रन ठीक है ये ध्यान रखना है आपको अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में कॉस्ट कितनी तरह की होती है तो सबसे पहला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इसको हम टी एफ सी बोल सकते हैं शॉर्ट में या हम इसका टोटल वर्ड हटा के इसको फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं अब नाम से ही पता चल रहा है फिक्स्ड है तो एक बार खर्चा होगा और वो सेम रहेगा फिक्स्ड रहेगा तो इट इज़ द कॉस्ट विच डू नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट आउटपुट कितना भी हो देखो यहाँ पे इस टेबल में देखो इस शेड्यूल में देखो आउटपुट यानी कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो ज़ीरो है जीरो है तब भी मेरे पास बिल्डिंग मशीनरी और लैंड uh, ये है बिजनेस है तो बिल्डिंग मशीनरी कहीं ना कहीं तो होगा तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो कुछ ना कुछ ज़ीरो आउटपुट पे भी रहेगी ठीक है आउटपुट जैसे ही बढ़ाते हो मान लो प्रोडक्शन शुरू हुई तो भी ये फिक्सड कॉस्ट यही रहेगी आप एक की प्रोडक्शन मान लो एक यूनिट आप प्रोड्यूस करने लगे तो आप ऐसे नहीं करते हो कि आपने एक और बिल्डिंग खरीद ली ठीक है या मशीनरी खरीद ली इतनी जल्दी चेंज नहीं आता है शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं ठीक है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे भी सेम रहेगी फिर प्रोडक्शन और बढ़ी फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी ये जो आउटपुट बढ़ रहा है ये वेरिएबल कॉस्ट की वजह से बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा ज़्यादा रॉ मटेरियल लेबर फ्यूल पावर ये सब चाहिए होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी आउटपुट बढ़ेगा लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी ठीक है तो आउटपुट के बढ़ने से टोटल फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता इसीलिए इसका ग्राफ देखो कैसे बनता है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस एक्स एक्सेस पे हम दिखाएंगे आउटपुट और वाई एक्सेस पे हम दिखाएंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टी एफ सी राइट अब टी एफ सी का जो ग्राफ होता है एक है दो है आउटपुट तीन है चार है पाँच है कुछ भी है टी एफ सी या कॉस्ट इज ऑलवेज ट्वेल्व यहाँ टू पे देखो तो भी ट्वेल्व है थ्री पे देखो तो भी ट्वेल्व है फोर पे देखोगे तो भी ट्वेल्व है तो सेम है टी एफ सी थ्रू आउट कितनी भी प्रोडक्शन हो रही है तब भी तो इसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरल बनता है दिस इज पैरल टू एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज़ फिक्सड ऑन एवरी लेवल ऑफ आउटपुट हर लेवल पे ये फिक्सड रहती है ठीक है अगली कॉस्ट समझते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट नाम से ही आपको समझ आ जाएगा ये कॉस्ट जो है वेरी करेगी चेंज करेगी ठीक है या इसको वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं टी वी सीज़ इसकी शॉर्ट फॉर्म है ये ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट भी ज़्यादा होगी प्रोडक्शन जितना कम होगा कॉस्ट भी कम चाहिए होगी जैसे अगर मैं दस यूनिट प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मुझे रॉ मटेरियल कम चाहिए होगा अगर मैं पचास यूनिट प्रोड्यूस करूँगी तो मुझे रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होगा तो खर्चा भी ज़्यादा आएगा ठीक है तो अगर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रही है देखो इस शेड्यूल में देखो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हो रही है तो आपको कोई वेरिएबल कॉस्ट चाहिए ही नहीं ठीक है कुछ भी नहीं चाहिए आपको रॉ मटेरियल भी नहीं चाहिए क्योंकि आप कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हो कोई फ्यूल पावर कुछ नहीं चाहिए लेकिन एक यूनिट प्रोड्यूस किया कुछ ना कुछ खर्चा आएगा फिर दो प्रोड्यूस किया खर्चा थोड़ा और ज़्यादा आएगा उसके लिए भी रॉ मेटेरियल चाहिए होगा तीन किया खर्चा और बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ बढ़ने के साथ साथ टीवीसी जो है वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ती है ठीक है इसी तरह इसीलिए एक साइड अगर हम आउटपुट दिखा रहे हैं और एक साइड टी दिखा रहे हैं तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे, वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी तो इसीलिए इसका इंक्रीजिंग ग्राफ होता है ऊपर जाता हुआ ग्राफ बनता है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होता है इसको ध्यान से समझना स्ट्रेट लाइन कर्व पॉसिबल नहीं है ये अ, मतलब क्यों पॉसिबल नहीं है देखो हम कभी भी ना जो वेरिएबल कॉस्ट है ऐसा नहीं होता कि एक यूनिट और बढ़ाई तो एक्जैक्टली छः रुपये बढ़ेगा दूसरा यूनिट और बढ़ाया तो भी छः रुपये यानी बारह और चाहिए होगा फिर तीसरा यूनिट बढ़ाया तो अट्ठारह चाहिए होगा हर बार हम सेम रेट से नहीं बढ़ रहे कभी खर्चा ज़्यादा होता है कभी कम कभी पावर सप्लाई महंगी हो गई कभी कुछ भी रीज़न हो सकता है कभी लेबर स्ट्राइक पे चले गए एनी रीज़न आप जो है वेरिएबल कॉस्ट जो है वेरी करेगी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक एक यूनिट बढ़ रही है और हर बार सेम प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो रही है ऐसा नहीं होता है ठीक है प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो इसीलिए जो टी है वो आपका थोड़ा सा वेवी होता है हल्का हल्का वेव क्योंकि कम ज़्यादा होती रहती है वेरिएबल कॉस्ट का नाम ही वेरिएबल है तो चेंज होती रहेगी कभी कम है तो कभी ज़्यादा कभी कम है तो लेकिन ऊपर की तरफ जाती हुई ही होती है क्यों क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा सेम प्रपोर्शन में बढ़ेगा ये जरूरी नहीं है लेकिन बढ़ेगा क्यों हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होगा ज्यादा लेबर ज्यादा फ्यूल पावर सब ज्यादा चाहिए होगा ठीक है तो ऊपर जाता हुआ तो होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉस्ट की तरफ टोटल कॉस्ट अब टोटल कॉस्ट का मतलब आ, टोटल वर्ड से आपको समझ में आ जाएगा दोनों को प्लस करना है किन दोनों को अभी हमने जो दो कॉस्ट पढ़ी है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को प्लस करते दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला देखो टी बी सी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टी एफ सी टोटल फिक्स कॉस्ट अब अगर हम इसका शेड्यूल देखें तो देखो आउटपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव हो रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो हर टाइम फिक्स्ड रहेगी बारह है तो हर बार बारह रहेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हर बार चेंज होगी कैसे बढ़ेगी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है बढ़ेगी जैसे हमने अभी पिछले दो कॉ कॉस्ट में पढ़ा अब टोटल कॉस्ट क्या आएगी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड खर्चा था वो बारह था और वेरिएबल कॉस्ट जो था वो ज़ीरो था तो टोटल खर्चा कितना आया जीरो आउटपुट लेवल पर इन दोनों को प्लस कर दो ये टोटल खर्चा आ गया एक लेवल पे यानी एक यूनिट अगर मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरा टोटल खर्चा कितना आएगा तो आप इन दोनों को प्लस कर दो टोटल पता चल जाएगा ऐसे ही सेकेंड लेवल पे दोनों को प्लस कर दो टोटल आ गया तो हम क्या कर रहे हैं टोटल कॉस्ट का मतलब क्या है इन दोनों का समेशन राइट टोटल खर्चा तो अगर हम इसको ग्राफ में बनाएंगे तो कैसे बनेगा देखो ये एक्स एक्सेस दिखाएगी आउटपुट ये वाई एक्सेस दिखाएगी आपको टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ हम पढ़ चुके हैं ऐसा होता है पैरल टू एक्स एक्सेस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ ऐसा होता है हम वो भी पढ़ चुके हैं स्ट्रेट नहीं होता वे भी होता है ऊपर जाता हुआ होता है अब टोटल कॉस्ट का ग्राफ देखते हैं टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ है देखो ध्यान से देखना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है हर बार सेम है तो आप कुछ नंबर्स में सेम नंबर हर बार प्लस करोगे तो जो इस नंबर का और इस नंबर का डिफरेंस है वो हर बार सेम आएगा क्योंकि सेम ही नंबर तो प्लस कर रहे हो तो ग्राफ में जब आप ये चीज़ बनाओगे तो इन दोनों का जो गैप है वो हमेशा सेम होगा यानी ये दोनों पैरेलल बनेंगे टी सी एंड टी वी सी आर ऑलवेज पैरल लाइन्स क्यों क्योंकि इन दोनों के जो बीच का गैप है वो हमेशा सेम होता है क्योंकि वो गैप क्या है वो टी एफ सी है यानी फिक्स्ड कॉस्ट वाला गैप है ठीक है हर बार आप वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हर बार टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कर रहे हो तभी तो टोटल कॉस्ट पे पहुंच रहे हो तो हर बार बारह प्लस कर रहे हो तभी तो यहाँ से यहाँ पॉइंट लग रहा है यहाँ से यहाँ हर बार सेम डिफरेंट डिस्टेंस पे लग रहा है ठीक है तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों पैरेलल लाइंस होती हैं क्यों होती हैं उसका रीज़न क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में बहुत पूछते हैं उसका रीज़न है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का सेम होना कॉन्स्टेंट होना ठीक है आगे बढ़ते हैं एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो ये कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है और टोटल कॉस्ट जो है वो कहीं ऊपर से स्टार्ट होती है ऊपर मतलब कि जहाँ से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट शुरू हो रही है क्यों क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तब भी टोटल फ़िक्स्ड कॉस्ट कुछ ना कुछ होती है तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी ज़ीरो से ऊपर लेवल पर स्टार्ट होती है क्योंकि वो ज़ीरो लेवल पर भी कुछ ना कुछ होगी और अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कुछ है तो टोटल कॉस्ट भी कुछ ना कुछ होगी ठीक है तो ये दोनों कॉस्ट ज़ीरो लेवल पे भी एक ऊपर वाले पॉइंट से ओरिजिन से ऊपर वाले पॉइंट से शुरू होती हैं लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो से शुरू होती है क्यों क्योंकि ज़ीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे कोई भी वेरिएबल कॉस्ट चाहिए ही नहीं कुछ खर्चा ही नहीं है ठीक है इसलिए ज़ीरो से शुरू होती है तो ये आपको ध्यान रखना है कौन सी कॉस्ट ज़ीरो से शुरू होती है कौन सी पैरल होती है किसके पैरल होती है उसका रीज़न क्या है और टोटल uh, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है नेक्स्ट आते हैं हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पे इसको हम बोलते हैं ए एफ सी एवरेज फिक्स कॉस्ट जहाँ पे भी एवरेज वर्ड आ गया उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है एवरेज का मतलब क्या होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना है आपको तो उसका फॉर्मूला क्या होगा आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करना है क्वांटिटी से यानी जितने भी यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो ये हो गया फॉर्मूला यही बनेगी इसकी डेफिनेशन देखो ऐसे इट रेफर्स टू द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ठीक है ये फॉर्मूले को ही डिफाइन कर रही है डेफिनेशन अब देखो शेड्यूल आउटपुट वाई जीरो वन टू थ्री फोर फाइव टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी बारह बारह हर बार एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगी एवरेज क्या होता है अगर मुझे फिक्स्ड कॉस्ट की एवरेज निकालनी है तो मैं फिक्स्ड कॉस्ट का ही टोटल के साथ क्वांटिटी को डिवाइड करूँगी ठीक है एवरेज देखो फिक्स कॉस्ट की निकालनी है तो टोटल भी फिक्स कॉस्ट का ही लिया है मैंने राइट इन दोनों को डिवाइड करते जाओ यू विल गेट योर आंसर राइट तो अब जब इसको प्लॉट करोगे देखो ये इन्फानाइट है या फिर ट्वेल्व सिक्स फोर थ्री एंड देन छोटा कम 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 होता जा रहा है तो आप कहीं ऊपर हाइट से शुरू करो और कम 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 करते रहो तो ये जो कर्व है ये आपका बनता है एवरेज फिक्स कॉस्ट का नेक्स्ट कॉस्ट है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इसको हम ए बोल सकते हैं अब देखो एवरेज वर्ड है यानी कि हमें टोटल को क्वांटिटी से यानी नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है किसको डिवाइड करना है किसका एवरेज निकाल रहे हो वेरिएबल कॉस्ट का तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगा उसी का वेरिएबल कॉस्ट का ही टोटल यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ये फॉमूला हो गया और फॉमूले से ही बनेगी इसकी डेफिनेशन सो आउटपुट देखो यहाँ पे क्या है आउटपुट वाइज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरी होगी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी उसी का एवरेज निकालोगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट तो जीरो डिवाइडेड बाय जीरो किसी को भी जीरो से डिवाइड करते हो नॉट डिफाइंड आंसर उसका डिफाइंड है ही नहीं तो डैश डाल सकते हो अब ऐसे ही सिक्स को वन से डिवाइड करोगे गेट सिक्स टेन को टू से फाइव इस तरह से डिवाइड करते जाओ यू विल गेट ए का ग्राफ नंबर्स तो अब इन नंबर्स को देखकर जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ पहले तो एक हाइट से स्टार्ट हो रहा है और फिर कम हो रहा है फिर से दोबारा बढ़ रहा है तो इट इज़ लाइक दिस ठीक है हल्का सा स्लाइट यू की शेप में रहेगा नॉट एग्जैक्टली यू ठीक है तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का इसी तरह अब हम बात करते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट की तो एवरेज है किस चीज़ की टोटल कॉस्ट की तो टोटल कॉस्ट का जो जो टोटल कॉस्ट था हमारा टोटल था उसको डिवाइड कर दो क्वांटिटी से वो एवरेज कॉस्ट आपको दे देगा ठीक है अब इसी से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी इट रेफर्स टू पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट मीन्स डिवाइडेड बाई क्वांटिटी अब वही आउटपुट वही सेम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमने ऊपर निकाली थी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकाली थी एवरेज कॉस्ट क्या आएगी एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट टोटल कॉस्ट को ये कॉलम मैंने बनाया नहीं है टोटल कॉस्ट को आप डिवाइड कर दो क्वांटिटी के साथ टोटल कॉस्ट को हम पहले पढ़ चुके हैं आ, मैं आपको दिखा देती हूँ ये रहा टोटल कॉस्ट ट्वेल्व एटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन थर्टी सिक्स फोर्टी सेवन ये टोटल कॉस्ट आप यहाँ लिखो और इसको आउटपुट से डिवाइड करो यू गेट दिस आंसर ठीक है ये आपको मिलेगा अब इसको अगर आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आप देखोगे सबसे पहले ये एटीन है फिर कम हो रहा है इलेवन फिर और कम हो रहा है फिर स्टेबल हो रहा है एक जगह पर फिर बढ़ रहा है तो हाइट से शुरू करोगे कम करोगे स्टेबल करोगे एक जगह पर थोड़ा सा यू शेप में आएगा एंड देन फिर बढ़ेगा दिस इज एवरेज कॉस्ट का ग्राफ ठीक है तो एवरेज कॉस्ट अगर पेपर में आता है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है शेड्यूल याद रखना है और ग्राफ याद रखना है नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट अब मार्जिन का मतलब क्या होता है वो समझो दो चीज़ों के बीच का गैप या डिफरेंस उसको मार्जिन कहते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है अगर आपको किसी भी चीज़ का मार्जिन निकालना है तो आपको उसके टोटल जो भी टोटल कॉस्ट है जैसे मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हो तो टोटल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट लेकिन कौन सी कौन सी जिस भी लेवल पे आप मार्जिन निकाल रहे हो उसी लेवल पे मान लो एन लेवल पे आपको मार्जिन निकालना है तो एन ही लेवल का टोटल कॉस्ट में से माइनस करोगे इससे पिछले वाले लेवल का टोटल कॉस्ट तो एन माइनस वन वाले लेवल का टोटल कॉस्ट तो एक फॉर्मला तो ये हो गया एक फॉर्मला मार्जिन है तो मार्जिन मीन्स डिफरेंस दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस तो टोटल कॉस्ट मार्जिन निकालना है टोटल कॉस्ट का जो चेंज है टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में कितना चेंज आया यानी यूनिट्स में नंबर ऑफ यूनिट में कितना चेंज आया तो एक्चुअल में जो चेंज है ये हम वन वन ही लेके चलते हैं देखो आउटपुट में हर बार वन वन का ही चेंज आ रहा है तो ये जब चेंज इन क्वांटिटी हर बार वन होगा तो हम सिर्फ इसको भी एज मार्जिनल कॉस्ट ट्रीट कर सकते हैं ठीक है तो इसीलिए ये जो ये टोटल कॉस्ट में चेंज मतलब टोटल कॉस्ट ये जो लेवल पे निकाल रहे हो वो माइनस टोटल कॉस्ट पिछले वाला कैसे अप्लाई करोगे देखो आउटपुट ये आपके सामने है टोटल वेरिएबल कॉस्ट वही ज़ीरो लेवल पे जीरो फिर बढ़ेगी बढ़ेगी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा बढ़ती जाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है तो बारह है तो हर बार बारह टोटल कॉस्ट दोनों को प्लस कर दो ये टोटल कॉस्ट आ गई अब टोटल कॉस्ट से आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है टोटल कॉस्ट माइनस इससे पिछले वाली टोटल कॉस्ट तो फर्स्ट लेवल पे देखो पिछला तो दिया ही नहीं हुआ तो आप ट्वेल्व में से क्या माइनस करोगे यू डोंट नो तो इसको डाल दो तो डैश इसको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि पिछला दिया ही नहीं हुआ है ठीक है हमारी प्रोडक्शन अभी शुरू ही नहीं हुई है तो पिछला कैसे पता चलेगा तो मार्जिनल कॉस्ट सेकेंड लेवल पर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे ये वाला लेवल सेकेंड लेवल पर निकालना है तो इसमें से पिछला वाला माइनस कर दो एटीन माइनस ट्वेल्व इसी को हमने लिखा है टी सी एन यानी एन इज़ द पोजिशन माइनस टी सी एन माइनस वन अगर यहाँ फिफ्थ पोजिशन है तो एन माइनस वन यानी फोर्थ तो फिफ्थ पोजिशन वाले में से फोर्थ पोजिशन वाला टी सी माइनस कर दो ठीक है तो इसी तरह अगर मुझे इस लेवल पे निकालना है तो मैं इसमें से पिछला माइनस करूँगी दोनों का डिफरेंस होगा वो आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा इस तरह से करते करते अगर आप मार्जिनल कॉस्ट निकालोगे और उस उसके नंबर्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा पहले ज़्यादा है देन कम हुआ फिर दोबारा बढ़ रहा है और फिर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप एक हाइट से स्टार्ट करोगे पहले कम करोगे ज़्यादा से शुरू करते हुए कम करोगे फिर कम एंड देन एकदम बढ़ जाएगा जैसे नाइकी का साइन होता है राइट करके इस मार्जिनल कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसा ही बनता है ठीक है तो आई होप आपको ये सारे कॉस्ट जो है वो समझ आए होंगे ग्राफ समझ आए होंगे शेड्यूल समझ आए होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है अब आगे बढ़ते हैं पेपर में बहुत बार पूछा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन कोई भी कॉस्ट आपको दे देंगे जितनी भी कॉस्ट हमने अभी पढ़ी हैं उनमें से कोई भी दो तीन कॉस्ट और उनके बीच का रिश्ता बताओ समझाओ कि वो दोनों कॉस्ट आपस में कैसे रिलेटेड हैं तो सबसे पहले ए सी और एम सी के बीच में रिलेशन बताते हैं मैं आपको दो कॉस्ट के बीच में रिलेशन समझाऊंगी बाकी किसी का भी आ जाए आप इसी तरह से लिख सकते हो देखो आपको सबसे पहले तो ग्राफ कैसे बनता है उन कॉस्ट का याद होना चाहिए ठीक है अभी मैंने सात कॉस्ट हैं टोटल सातों के ग्राफ्स एक बार प्रैक्टिस करना याद नहीं होते हैं तो इनका फॉर्मूला एक बार नोट करना और शेड्यूल बनाना मतलब टेबल बनाने की कोशिश करना फिर देखो नंबर्स कैसे जा रहे हैं तो ग्राफ कैसे बनना चाहिए तो आपको समझ आ जाएगा ठीक है तो आ, अगर ग्राफ याद है तो अगर पूछा जा रहा है जैसे रिलेशनशिप बिटवीन ए और एम बताओ तो ए का ग्राफ आपको पता है कैसे बनता है सबसे पहले हाइट से स्टार्ट होगा नीचे जाएगा देन फिर बढ़ेगा एम का ग्राफ अभी हमने पढ़ा नाइकी के साइन की तरह होगा राइट की तरह ठीक है तो यहाँ पे मैं दोनों ग्राफ को अगर देखूँ तो ध्यान से देखना हो क्या रहा है जब ए बड़ा है ये देखो फर्स्ट फेज में देखो ए ज़्यादा हाइट पे है एम कम है ठीक है तो हो क्या रहा है एम जब कम है और ए ज़्यादा है तो ए तेजी से नीचे गिर रहा है लेकिन एम कम तेजी से नीचे गिर रहा है रेट जो है ए का फॉल करने का बहुत ज़्यादा है ए फॉल कर रहा है राइट right? उसके बाद जब वो इक्वल हो एक पॉइंट आया जब वो दोनों इक्वल हुए हैं ठीक है चेके? तो बीच में एक पॉइंट आता है जब वो मिल जाते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट जहाँ पे एम सी और ए सी इक्वल होते हैं इसके बाद क्या होता है एम सी फिर बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है देखो ऊपर हाइट ले ली उसने एकदम तेजी से हाइट ले ली तो एम सी के बढ़ने का ग्रोथ का रेट ज़्यादा है ए सी के ग्रोथ का रेट थोड़ा कम है तो जैसा ग्राफ वैसे ही आप इसके पॉइंट्स को लिखोगे इनका रिलेशन लिखोगे तो तीन पॉइंट्स में इसका रिलेशन ख़त्म हो जाएगा पहला पॉइंट जब ए तेजी से नीचे गिर रहा है तो एम का डिक्लाइनिंग रेट कम है फिर एक टाइम आता है जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं ये पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं उसके बाद एम तेज़ी से ऊपर बढ़ता है और ए का ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम है कम बढ़ता है वो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अगर आपके पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन एम और ए बताओ तो आपको फिर से ग्राफ पता होने चाहिए ग्राफ बताया आप, बनाया आपने एम का ग्राफ ये रहा ए वी सी का ग्राफ ये रहा ठीक है अब आपको देखना है जो हो रहा है वही बताओ जैसे यहाँ पे देखो कि ए वी सी का ग्राफ ऊपर है तो आप सबसे पहले लिखो कि ए वी सी बड़ा होता है एम सी से इनिशियली ए वी सी इज़ ग्रेटर देन एम सी और फिर ए वी सी फॉल करने लगता है राइट कम होने लगता है नेक्स्ट उसमें क्या होता है ये दोनों मिल गए यानी कि इक्वल हो गए एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ पे ए वी सी और एम सी इक्वल हो जाते हैं जब ए सी कॉन्स्टेंट हो जाता है एक लेवल पे आ जाता है ठीक है उसके बाद थर्ड फेज़ में क्या होगा एम सी जो है तेज़ी से ग्रो करता है बढ़ता है ए बी सी से ए बी सी भी बढ़ रहा है राइज हो रहा है लेकिन एम सी का ग्रोथ रेट तेज़ है ठीक है तो ये इनके बीच का रिलेशन है ऐसे किसी भी आपको दो कॉस्ट के बीच में रिलेशन समझाना हो आपको ग्राफ अगर पता है तो आप बता सकते हो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं समझ में आ रहा है आसान लग रही है तो प्लीज़ इनको वीडियोस को लाइक करो और जिन लोगों को जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनको शेयर करो ताकि उनको भी समझ में आए और आसानी से उनको इकोनॉमिक्स भी इंटरेस्टिंग लगने लगे सो थैंक यू